वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की तरफ हम बात करने वाले हैं, उस हवाले से। अच्छा, मल्टीपल चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इन आर प्रोग्राम। कोशिश करूँगी कि बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकूँ। एक तो वीक बोन्स के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वजह है कि हमारी जो हड्डियाँ हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ कमज़ोर हो जाती हैं। अगर हम उसको इनिशियली पहले ही अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दें तो वो किस तरह से हमें रखना है, एक अवेयरनेस मैसेज में इस हवाले से लाजमी चाहूँगी कि हम बात करें। दूसरा ये है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह हम तमाम लोगों को, हमारे प्यारों को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, सेहत में रखे, लेकिन किसी एक्सीडेंट की सूरत में कई दफ़ा हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो हम कहते हैं ना कि चलें एक कुदरत की तरफ से एक आफत आई है, आप किसी भी हादसे का शिकार हो गए, और लेकिन उसके बाद कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनको हम खुद दावत देते हैं, जिसमें हम खुद जाते हैं। मैं बात करूँ कि किसी भी एक्सीडेंट में खुदा ना खास्ता अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से की हड्डी टूट जाती है, आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़ता है, तो उस टाइम पर ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ होते हैं, रिपोर्ट हुए हैं। मैंने बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे किए हैं, बहुत सारे डॉक्टर से मैं मिली हूँ कि बहुत सारे लोग बर वक्त हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ जराह के पास जाने का रुझान आज भी बहुत ज़्यादा है, और इन दैट केस आप ज़िंदगी भर की मजूरी जो है उसका शिकार हो सकते हैं। क्यों नहीं जाना चाहिए उसका भी आपको बिल्कुल लॉजिक देंगे, पूरी बात करेंगे डिटेल में। हमारे साथ एक्सपर्ट ऑब्वियसली मौजूद है, हमारे शो का हिस्सा है, इन कॉन्वर्सेशन होंगे हमारे साथ प्रोफेसर फैसल मसूद साहब, CEO है मियो हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो इनसे हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नहीं, सुबह बखैर, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी मच फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हड्डियों की कमजोरी के हवाले से भी मैं बात करूंगी, उनकी वीकनेस के जो वक्त गुजरने के साथ साथ होती है, लेकिन उससे पहले जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आप किसी हादसे का या एक्सीडेंट का शिकार हो गए और उस हादसे में आपके जिस्म की किसी भी हिस्से की हड्डी टूट गई है, तो सबसे पहले जो आपके आसपास के लोग हैं या जो आपको उससे सेफ करने आए हैं वो उनको क्या करना चाहिए? पहले तो ये देखना चाहिए कि वो मरीज सांस ले रहा है, उसमें कोई खुदा ना खास्ता उसकी सांस या कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो नहीं है, मुंह में उसको कोई झाग या ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही। अगर वो सांस ले रहा है, बातें कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं। इसे कहते हैं ATLS प्रोटोकॉल। ATLS होता है कि आप सबसे पहले लाइफ, फिर लिम, फिर फंक्शन। यानी सबसे पहले हमने जान बचानी है, उसके बाद उसका हाथ या बाजू जिस पे चोट आई है उसको बचाना है। मतलब आप हाथ और बाजू का इलाज कर रहे हैं और मरीज ऊपर से उसको सांस नहीं आ रहा, तो वो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। आपने पहले लाइफ, लिम और उस ATLS प्रोटोकॉल के बाद आपने देखना है कि वो बहुत टेढ़ा तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है फ्रैक्चर है। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसमें कोशिश करें कुछ साफ सा कपड़ा लपेट दें, लेकिन बहुत टाइट तरीके से उसे ना बांधें। और कोई भी अगर उसकी एक्सटर्नल सपोर्ट है, कोई वुडन स्प्लिंट है, कोई चीज़ है जिसके ऊपर रुई लगा के नहीं है, तो आप सिर्फ उसे दो चार कपड़ों में लपेट दें। लेकिन एक कोशिश करें, अगर अवेलेबल हो तो साफ़ सुथरा कपड़ा रखें, कोई सफाई करने वाला कपड़े में ना लपेट के लाएं, खासतौर पे अगर ब्लीडिंग हो रही है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो तसल्ली रखें, अब तो हमारे यहाँ पंजाब में बहुत अच्छा मरबूत सिस्टम है 112 का, और वो हर जगह पहुँच जाते हैं, और अब ये पंजाब और पूरे पाकिस्तान में हर जगह ये सर्विस अवेलेबल है। और मेरे ख्याल में ये दुनिया की चंद अच्छी सर्विसेज में है। यहाँ पाकिस्तानी कौम को और उन हुकूमत के उहदेदारान को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। अब हमारे यहाँ अगर इलम नहीं है तो उसकी वजह से हम नहीं बुला पा रहे, वरना ये सहूलत मिल जाती है और वो आपको फौरी हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनकी एम्बुलेंस के अंदर फर्स्ट एड का सामान होता है, और अब तो लाहौर के जैसे ट्रैफिक के मामला हैं, वहाँ उन्होंने रेस्क्यू 112 की बाइक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, कि वो कंजेस्टेड एरिया या ट्रैफिक एरियाज़ हैं जहाँ बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, वो एम्बुलेंस पर जाके या बाइक पर जाके फ़ौरन पेशेंट को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे देते हैं। अगर वो मिल जाए तो पेशेंट को डेफिनेटली फिर आगे हॉस्पिटल में उसकी पेन देखनी होती है, उसकी चोट को देखना होता है और एक्सरेज वगैरह होने। ठीक, अच्छा बड़े हैं ना हम लोग जो एडल्ट्स होते हैं, वो तो अपनी तकलीफ का खुलकर इजहार कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल पॉइंट्स बता सकते हैं कि हमें कहाँ पर तकलीफ हो रही है, उसकी शिद्दत क्या है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी ज़्यादा है, तो उसमें तो डायग्नोसिस ईजी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार एक एक्सीडेंट हुआ, मेरी बेटी मेरे साथ गाड़ी में मौजूद थी और वे हिरता कार और उसकी कॉलर बोन ब्रोक वो ब्रेक हो गई, और उसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ कि हाउस हेल्प ने पकड़ा तो बाजू। अब वो बच्चे की उम्र तकरीबन 2 साल थी और उससे भी कम थी जब ये दोनों इंसिडेंट हुए। अब इतनी उम्र का बच्चा आपको खुलकर नहीं बता सकता, तो जब मैं डॉक्टर के पास फौरी उसको लेके गई, उसके फौरी तौर पर पूरे एक्सरेज करवाए, पता चला कि कहाँ पे जो है, क्योंकि कॉलर बोन है वो इतनी स्वेयर नहीं होती और वो टाइम के साथ वो
लेकिन दैट डॉक्टर टोल्ड मी के इतने सारे बच्चे जो कि हॉस्पिटल्स में आते हैं, जब मामला इतना बिगड़ चुका होता है, खासकर हम बहुत सख्ती से खींचते हैं जब बच्चों को, उनकी हड्डी जो है वो डिसलोकेट हो जाती है जिस्म के किसी भी हिस्से की, और बच्चे तकलीफ में रहते हैं मुसलसल कई कई दिनों तक, और पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता, या वो फौरी तौर पर एक्शन नहीं लेते या हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, ऐसे भी केसेस आपने ऑब्जर्व किए हैं? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट में बच्चे ज़्यादा अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है, तो क्यों इस तरह से इंतज़ार किया जाता है? भैया ये मैं एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये बाज़ इतनी सिंपल इंजरी होती है, हर चोट के बाद बैरूनी या अंदरूनी ब्लीडिंग होती है, फ्रैक्चर के बाद ये ब्लीडिंग होती है। अगर हम ऊपर से उसको सही तरीके से बिठाएं ना हड्डी को, और ऊपर से टाइट बैंडेजेस कर दें, जो कि एक रवायती जराह का अंदाज़ होता है कि वो नीचे कोई लकड़ी की चीज़ लगा के ऊपर एक टाइट पट्टी बांध देते हैं, छोटे छोटे बच्चे सिंपल सा फ्रैक्चर वो छालों के साथ और हाथ सूजा हुआ, और फिर अल्लाह माफ़ करे सारी उम्र की उस लिम्ब की माजूरी, बाज़ दफ़ा खुदा न खास्ता उस हिस्से को काटना भी पड़ता है क्योंकि वो ब्लैक या डेड हो जाता है। तो आपने चोट इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना वो एक गैर जुम्मेदाराना इलाज से आपकी पेचीदगी आ गई, इसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। तो कभी भी ऐसे जो लोग जिनको अपना नाम नहीं लिखना आता, जिन्होंने किसी तस्दीकशुदा इदारे से अपनी तालीम तरबियत पूरी नहीं की, मेडिकल की बेसिक्स नहीं ली, आर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, तो ज़ाहिर है आपके अपने प्यारों की जान और अज़ा बहुत कीमती हैं, तो उनके हाथों में अपना ये ट्रीटमेंट ना दें। ठीक है, लेकिन डॉक्टर मैं जानना चाहूँगी किस टेक्निक के तहत ट्रीटमेंट करते हैं? बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, उनका बड़ा कॉमन बिलीफ है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ने लिखने में प्रैक्टिस करने में सर्व कर दी, और आप एक ऐसे जराह के पास जा रहे हैं जो शायद मैट्रिक पास भी नहीं है, तो ये किस टेक्निक के तहत इलाज करते हैं? कोई इसके हवाले से भी कोई है, चेक इन है कोई, कि देख रहे हैं इन लोगों को कि बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई? बहुत सारे ऐसे किसी तो हुए कि हाथ काटना पड़ गए, जैसे आपने बात की कि जिस्म का कोई हिस्सा काला हो गया, नीला हो गया, कई के दिनों तक वो बैंडेज उस तरीके से रही। देखिए ये बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे यहाँ रवायती तरीका इलाज है जिराह के पास जाए, और ये पाकिस्तान में नहीं, ये इंग्लैंड में भी था 16th-17th century तक, ये रहा है कि वहाँ पे भी दांत और हड्डियों के मसाइल जरा ही देखते थे। ठीक, फिर उन्होंने उनमें आगाही लाई, एजुकेशन के ज़रिए लोगों में शऊर पैदा हुआ, और उसकी वजह से उनकी एस्टेब्लिश्ड मेडिकल ट्रीटमेंट आ गई, फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी डेवलप हुई, और उसने ये ट्रीटमेंट आप पूरी दुनिया में मुस्तंद तरीके से होती है। लेकिन हमारे यहाँ एक सीना बसीना और एक तसल्ली कि मेरा फलाना रिश्तेदार उस जरा के पास ठीक हुआ, मैं भी उसी को ले जाऊँगा, आम चोटों में, आम कमर दर्द में, आम पट्ठों के दर्द में इतनी कोई इमरजेंसी नहीं होती, शायद उनका कोई तीर तुक्का चल जाता है। लेकिन हड्डी टूटने के अमल में, और ख़ास तौर पे बच्चों में जैसे आप कह रही थी, और उनकी कोई ग्रोथ का हिस्सा मुतासर हो जाता है, तो सारी उम्र का टेढ़ापन, टांग का छोटा बड़ा होना, या खुदा न खास्ता मुस्तकिल किसी कटने की सूरत में मजदूरी का शिकार हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये बड़ा कॉमन भी, अक्सर आपने बड़े घर के बुजुर्गों से भी सुना होगा कि मैंने कुछ भी हो जाए मैंने डॉक्टर ना मतलब कि ऐसा, आई डोंट नो कि क्यों ये खौफ है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी, हमारे यहाँ कि हम वी आर अफ्रेड ऑफ हॉस्पिटल, बिकॉज शुरू में चूँकि हम अपने करीबी डॉक्टर्स या महल्ले के हकीम के पास जाते हैं, और हम हॉस्पिटल उस वक्त देते हैं जब वो जवाब दे देता है, और उस वक्त उसकी मॉर्टेलिटी या जो शरा नुकसान है वो कई हंड्रेड्स में चली जाती है। तो समझे कि आधा मरा हुआ पेशेंट वो लेके आते थे हॉस्पिटल और पूरा मरा हुआ ले जाते थे, तो एक खौफ था कि जो हॉस्पिटल जाता है वो ज़िंदा नहीं वापस आता। उसमें हॉस्पिटल के कसूर से ज़्यादा उस टाइम का है जो मरीज़ को हम बर वक्त, यानी कि ये दो ही चीज़ें हैं, बार वक्त और हर वक्त, तो ये चीज़ अगर हमारे उधर हो और हम शुरू में पकड़ लें, जैसे शुगर है और भी मामला आते हैं, हार्ट अटैक का मसला है, जिनमें चंद मिनटों से लेके जितनी जल्दी तशखीस हो जाए मर्ज बढ़ता नहीं। ठीक, अच्छा इन इंडिया एक केस शायद आपने भी देखा हो ऑन सोशल मीडिया, आजकल हर खबर जो है वो पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ, वहाँ पर खातून थी जिसको 9 महीने तक उसके मोहल्ले में उसके घर के पास ही किसी जरा ने, शायद शी वाज प्रेग्नेंट, और के कोई अंदर क्या है, लिम्प है या क्या, उसको वो 9 मंथ्स तक बहुत बैडली, एट द एंड वो खातून और वो बच्चा दे बोथ डाइड। तो ये इस तरह के केसेस बहुत होते हैं, कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। आज भी अगर आप दूर दराज शहरों से दूर गाँव में चले जाएँ तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब आप देखेंगे, आप जानेंगे, सुनेंगे, तो आप
कहेंगे कि आज के दौर में भी ऐसा हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की भी हड्डी टूटी है या कोई फ्रैक्चर आया है जिसम के किसी भी हिस्से में, तो मुस्तकबिल में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? या आजकल की जितना से एडवांस ट्रीटमेंट है, अब तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ट्रीट किया। ऑर्थोपेडिक को देखा जाए तो ओवरऑल ये मुख्तलिफ फेजेज में से गुजरी है। पहले तो ये सिर्फ बच्चों की जो पैदाइशी मामला थे, टेढ़ापन, उनको सीधा करने के लिए स्पेशलिटी बनी। बाद में उन्होंने फ्रैक्चर्स, इंजरी, चोट, इनको भी, वरना ये जनरल सर्जन्स डील करते थे। और शुरू में ये तरीका इलाज वही था, जरा इन्हें पट्टियों और उसमें करते थे और डॉक्टर्स इन्हें प्लास्टर्स में ट्रीट करते थे। लेकिन अब जब से एओ सिस्टम आया है और पूरी दुनिया में हर चीज़ में तहकीक हुई है, तो अब इंटरनल फिक्सेशन है कि हम हड्डी को उसी हालत में वापस लाते हैं जहाँ वो पहले टूटने से पहले थी, और उसको फिर उसके बाद छोड़ते नहीं है, उसी किसी तार से, स्क्रू से, प्लेट से या रॉड से या फिक्सेटर से उसको पकड़ लेते हैं, बनिस्बत सिर्फ प्लास्टर के। अभी भी प्लास्टर मौसर है उन बच्चों में जिनके फ्रैक्चर्स बड़े सिंपल हैं, उनमें कोई ज़ख्म नहीं है और वो जोड़ के करीब नहीं है, तो उनमें प्लास्टर कारगर है। लेकिन अमूमन अब अगर सही तशखीस हो तो हड्डी के किसी भी फ्रैक्चर को हम 100% ठीक कर सकते हैं अल्लाह ताला की मदद। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, जब अक्सर फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें जब रॉड से रिप्लेसमेंट की जाती है तो इसको रिमूव करवाना होता है आफ्टर सम टाइम? बच्चों या यंग एज में तो डेफिनेटली करवाना होता है क्योंकि ये हमेशा रहने वाली चीज है। तो जो लोग इसको नहीं रिमूव करवाते उसके नुकसान क्या होते हैं? नुकसान बस ये है कि एक तो फॉरेन बॉडी है और अगर वो अच्छी धात से नहीं बनी तो आपको मेटालोसिस हो सकता है। दूसरा होता है कि आपको सफर में प्रॉब्लम आती है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करें तो मेटल डिटेक्टर्स में से आप जब गुजरते हैं तो वो मेटल आपको प्रॉब्लम पैदा करती है, तो यू हैव टू कैरी अ लेटर। तो आपको अगर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनको मसला आता है। और बच्चों की अगर ग्रोथ है तो बच्चों में तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ते, 6 मंथ्स टू 1 ईयर पे ये पुर्जे निकलवा देने चाहिए। हाँ, बाज़ दफ़ा कोई ना निकलवाए तो छोड़ा जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई फिजियो भी करने की ज़रूरत पड़ती है लाइफ टाइम, या आप बिल्कुल हेल्दी जिस हिस्से पे फ्रैक्चर हुआ होता है या बिल्कुल आप एक हेल्दी लाइफ लीड करते हो? देखिए, अगर हम ऑर्थोपेडिक्स में फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट पढ़ें तो हमें 4 R पढ़ाए जाते हैं। पहला R है रिड्यूस, कि हड्डी को वापस लाएं। दूसरा R है कि इसको रिटेन करें, यानी अगर आप छोड़ देंगे, मैंने हड्डी बिठाई और फिर छोड़ दी, वो फिर हिल जाएगी बिकॉज इट इज़ ब्रोकन बोन, तो उसको रिटेन करना है। रिटेंशन जो है ना, वो हम एक्सटर्नली भी कर सकते हैं जैसे प्लास्टर्स हैं, स्प्लिंट्स हैं, और इंटरनली भी कर सकते हैं जैसे सर्जरी है और रॉड्स हैं। तीसरा R है कि हमने उसको एड्रेस करना है और रिहेबिलिटेट करना है, यानी उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल आता है। अच्छा। और चौथा आ रहा है रियलाइज़ करना कि उसकी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही, मसलन स्टिफनेस है, इन्फेक्शन हो गई है, वूंड ख़राब हो गया है, इम्प्लांट टूट गया है, हड्डी नॉन यूनियन ना जुड़ने से इनकार कर दिया, तो हमने कॉम्प्लिकेशंस को रियलाइज़ करना होता है और उनको एड्रेस करना होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, अब मैं ज़रा हड्डी की कमज़ोरी के हवाले से बात की, एक जेनेटिकली भी बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं हमें जीन्स के थ्रू, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री के किसी को अगर खुदा ना खास्ता ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन या जोड़ों की तकलीफ है, तो वो फैमिली में आपकी फैमिली हिस्ट्री आ गई तो वो तो ट्रांसफ़र होगी। कैसे हम ख्याल रख सकते हैं, प्लस हड्डियाँ कमज़ोर क्यों हो जाती हैं ख़वातीन खासकर प्रेगनेंसी के बाद जो है वो, कमर दर्द, कमज़ोरी और ये बहुत सारे सो मैनी अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको इसकी शिकायत हो सकती है, वो कौन कौन से हैं और हमने अपना लाइफस्टाइल इसके अकॉर्डिंगली तब्दील कैसे करना है? ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक भी है। मैं ये कहूँगा कि हमारी हड्डियों के 2 किस्म के मसाइल होते हैं कमज़ोरी। एक है जिसको ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स कहते हैं, जो विटामिन डी की कमी से आता है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी। और एक है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एज के हिसाब से और चंद हारमोन्स के खराबी की वजह से ख़वातीन में जल्द या बादेर ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है। इसके अगर देखा जाए तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, जो कि हमारी अमूमन ग़िज़ाई किल्लत, कैल्शियम विटामिन डी का दस्तियाब ना होना और जिस्म के अंदर इस्तेमाल ना होना, रेजिस्टेंस आ जाती है, उसकी वजह से बच्चों में या यंग एडल्ट्स में भी हड्डियाँ जल्दी टूट जाती हैं, टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। इसको रिकेट्स कहते हैं अगर बच्चों में हो, और बड़ों में हो तो इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसकी ज़्यादातर तादाद बच्चों के बाद ख़वातीन की होती है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक तो बॉडी मास ख़वातीन का मर्दों की निस्बत कम होता है ऑन एवरेज, और दूसरा ये है कि उनकी इनटेक और फिज़िकल एक्टिविटीज़ मेल की निस्बत कम होती हैं, नज़ाकत का एलिमेंट भी आ जाता है। फिर दूसरा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है हमारे यहाँ, अक्सर अब तो कम हो गई है लेकिन अगर आप पेरिफ्री में जाएं तो वो माँ जो है ना, वो सालन अगर है तो वो उसका कुछ मेजर पोर्शन अपने बेटे के लिए रखेगी और बेटी के लिए शायद उस तरह ना रखा जाए। फिर पर्दा ऑब्जर्वेशन है, सन का एक्सपोजर नहीं है हमारा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिर ये जितने भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं या जैसी भी ड्रिंक्स हैं, ये हमारे कैल्शियम रॉबर्स इनको कहते हैं। यानी ख़ास तौर पे अगर हम उसके दौरान जो कुछ इनको लिक्विड्स में डाल लेते हैं, दूध थोड़ा बड़ा रिवाज है लोगों में,
तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ऐसे जैसे आप अपने घर के अंदर कोई चीज़ एसी भी चला लें और हीटर भी चला दें तो आपको बिजली का बिल तो बहुत आएगा लेकिन टेम्परेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने एक अच्छी चीज़ को उस ड्रिंक के साथ मिक्स करने से उसका कैल्शियम भी ख़राब हो जाता है और दूध तकरीबन किसी काम का नहीं होता। तो हमारी डाइटरी हैबिट्स बहुत काउंट करती हैं। अगर हम देखा जाए ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस में है मॉडिफाइबल फैक्टर्स नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, वो चीज़ें जो हम बदल नहीं सकते, मसलन फीमेल होना नहीं बदला जा सकता, एज नहीं बदली जा सकती ओल्ड एज पे है, और सर्टन बीमारियां ऐसी हैं जैसे अगर आपको कोई हार्मोन्स का इशू आ गया है, आपको शुगर आ गई है, तो ये नॉन मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल है आपका लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और फिर आपकी बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी जैसे आपकी एज है या यंगर एज में, हम इस वक्त अपने हेल्दियर लाइफस्टाइल से जो कि इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं चाहूँगा, हम अपनी बोन डेंसिटी को बेहतर कर सकते हैं। बोन डेंसिटी ऐसे ही जैसे आपका बैंक अकाउंट है और यह आपकी ग्रेजुएटी पेंशन आती है, यानी कि आपने काम करना छोड़ दिया लेकिन आपको प्रॉफिट आता रहता है, तो जितना अच्छा बोन बैंक होगा आपका उतना ही ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार होने की सूरत में भी आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। ठीक है। उस सूरत में हमारी यंगर जनरेशन को चाहिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, माओं को चाहिए कि उनकी डाइटरी हैबिट्स को अच्छा करें। हम सिर्फ हम खुराक नहीं लेते, हम गिजा जो है ना उसका कंसेप्ट ख़त्म हो गया, हम सिर्फ न्यूट्रिशन से फूड पर आ गया। हर वो न्यूट्रिशन फूड बड़ा बेसिक चीज़ है, हर वो चीज़ जो खाई जा सकती है वो खुराक है। सही। और हर वो चीज़ जो इंसान के लिए चाहिए वो गिजा है। हम चले गए उन चीज़ों पे जिनका टेस्ट है, उनकी हमने फूड वैल्यूज को नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है ना, जैसे हम देसी घी से दूर हो गए, देसी मुर्गी से दूर, गोरा चला गया उन सारी चीजों पे और हम उन सब चीजों से, अब वो तो ऑर्गेनिक्स पे आ गए हैं और वो अब मल्टी विटामिंस में भी वो बोटैनिकल्स और उस पे आ गए हैं, नेचुरल चीजों पे आ गए हैं, हम उसी तरह आर्टिफिशियल्स के पीछे भागे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन कौन सी हमारी खाने की चीज़ें जो आपको लगता है बड़ी इसेंशियल हैं हमारी, अगर मैं, क्योंकि जो टॉपिक हमारा है तो मैं उससे हटूंगी नहीं, कि जो कि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब से हमारा दूध में मिलावट हुई है बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ, दूध इतनी पॉपुलेशन को सप्लाई करने के लिए जो मेजर्स अपनाए गए शहरों में, जैसे मिलावट की गई, वो एक हेल्दी सोर्स नहीं रहा। डब्बोई का दूध इस्तेमाल किया जा सकता है, रिलायबल कंपनी हो डिबेट है, रिलायबल कंपनी हो तो किया जा सकता है, मसला आता है खुला हुआ दूध और ये जो आम गवाले देते हैं उसमें अगर वो कोई ज़ाहिर है जिस तरह का पानी मिलाया जाता है और जिस तरीके से मिलाया जाता है उसमें वो खुद भी इन्फेक्शन यानी उसमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। बहरहाल मैं ये कहता हूँ लोगों से कि अगर वो एडल्ट्रेटेड यानी केमिकल मिला दूध नहीं है तो कोई भी सोर्स है जितना भी डाइल्यूट कर लें वो फिर भी बेहतर है। दही यूज़ किया जा सकता है उसके अल्टरनेट पे। अल्टरनेट। अच्छा, इसमें एक और रेजिस्टेंस ये है भैया कि हमारे यहाँ दूध की एक रेजिस्टेंस है कि टॉलरेट नहीं होता, इसे कहते हैं लैक्टोज इनटॉलरेंस, कि आप दूध लेते हैं आपको डायरिया हो जाता है, तो बहुत सारे लोग ले भी नहीं पाते, तो फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में आप आ जाते हैं। चीज़ बहुत अच्छा यानी कि पनीर बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आइसक्रीम, मैं कहता हूँ बच्चों में आप बहुत ज़्यादा इनकरेज करें, उन्हें बहुत चिल्ड ना दें। अच्छा। और मैं जितने भी बच्चे होंगे, माएँ आती हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप इन्हें आइसक्रीम खिलाएं। अरे वाह। तो वो बच्चे बच्चों के लिए तो वो बच्चे भी खुश होते हैं, मुझे भी दुआएं देते हैं और माएँ भी कंफर्टेबल हो जाती हैं, बिकॉज उन्हें कंपेल करना किसी हेल्दी फूड पर बड़ा मुश्किल है, आइसक्रीम पर वो फौरन मान जाते हैं। तो आइसक्रीम इज़ वेरी गुड सोर्स। उसके बाद बड़ों में अगर आ जाए सूप, गोश्त, कलेजी, फिश एंड सनलाइट, ये यूज़ की जा सकती है उसमें। और फिर फोर्टिफाइड फूड्स आ गए, मतलब सीरियल्स आ गए जिनमें एडिशन होता है विटामिन डी का, और बहुत बड़ी सोर्स आपकी फिश के अंदर है और कलेजी के अंदर होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जैसा कि आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग अब तो अवेयरनेस पर ही आ गए, हमें पता चल गया कि हमने जिम जाना है, अपना वजन भी मेंटेन करना है, फिटनेस की बात बार बार सोशल मीडिया पर बहुत सारी मोटिवेशंस हैं, बहुत सारी खवातीन भी जा रही हैं, मर्द ऐसे में क्या है कि एक बड़ी परसेंटेज तो उन लोगों की है ना जो कि बहुत खा रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, एक बड़ी परसेंटेज अब उन लोगों की भी है जो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, जो मैल न्यूट्रिशन की जानिब जा रहे हैं कि अच्छा हम खाना छोड़ देंगे तो हम अपना वजन मेंटेन कर लेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो हम दुबले रहेंगे। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपकी बॉडी के अंदर डिफिशेंसीज भी आ रही हैं। अदर मल्टी वाइटमिन्स कितनी हद तक इसको कवर कर लेते हैं, कितना ज़रूरी है और कौन से रिकमेंडेड हैं कि भाई विटामिन डी, जैसा कि आपने कहा कि सन है या बहुत सोर्सेज बहुत कम है कि हमें खाने में से मिल सके, या अदर तो कौन सी चीज़ें जो हमें अपने खाने के साथ साथ ऐड ऑन करनी ही हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इसको हम ऐसे लेंगे कि जिंदगी, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, हमारे बैठने से लेके हमारे सोने तक हर चीज़ बैलेंस्ड है, तो डाइट भी बैलेंस होनी चाहिए। देखिए, दुबले होने में, स्मार्ट होने में और दुबले होने में, यानी कमज़ोर होने में और दुबले होने में फ़र्क है, और इसी तरह सेहतमंद होने में और फरबा या मोटा मोटा होने में फ़र्क है। करेक्ट। तो इस तरह स्मार्ट होना चाहिए लेकिन वीक नहीं,
तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जिनमें चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपकी प्रोटीन्स ज़रूरी होनी चाहिए। मसलन अगर आप कुछ नहीं तो एक अंडा ले लें, एक अंडा इस्तेमाल करें। कुछ महीनों के अलावा फिश ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं सवाए 3-4 महीनों के। दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स एंड सैलड्स पे बहुत ज़्यादा है हमारी। अनफॉर्चुनेटली अब हम गोश्त खोर कौम हो गए हैं। करेक्ट। और ब्रायलर ने आके तो हमारा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है, हमारी हीटिंग ईटिंग हैबिट्स। और हमारे बच्चों को अगर कोई और दिया जाए तो वो नाक मुँह चढ़ाते हैं। देसी घी हमारी डाइट से निकल गया, नट्स नहीं रहे, नट्स नहीं रहे हमने। और हम सैलड से तो ऐसे है ना कि बस सीधी रोटी खोलो और हमें खोल दो बस, और हम उस पर शुरू हो जाए। और बच्चों को भी आप देखें, मैं हमेशा अपनी बेटी से पूछती हूँ कि बाकी बच्चे क्या लंच में लेकर आए थे। सो आई गेट टू नो कि भाई जंक फूड बच्चों को सुबह की पहली चीज़, क्योंकि बच्चे घर से सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते नहीं है, जो उनको मिलता है वो उनका फर्स्ट, उनकी जो मील होती है ऑफ द डे वो उनका लंच बॉक्स होता है, और उसमें डोनट्स और बर्गर्स और नगेट्स। मतलब हमारे बचपन में हमें याद है कि पूरी क्लास में सब लोग अंडा पराठा लेकर आया करते थे, जो बहुत कोई फैंसी होता था तो वो फ्राइज हुआ करते थे। तो वो भी हर घर में नहीं होते, नहीं होते थे। करेक्ट। दो चीज़ें इसमें, एक तो शुगर प्रोडक्ट्स ने हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। मतलब हमारी दो चीज़ों ने ना, एक प्रिजर्व फूड ने हमें बहुत तबाह किया, केन प्रोडक्ट्स आ गई जिसका, रेफ्रिजरेटर ने हमें बहुत ज़्यादा इसमें किया है कि पहले आपको पता है कि फिक्स टाइम में खाना पकता था और सर्व हो जाता था, स्टोर कोई नहीं होता था, स्टोरेज के सिस्टम ही कोई नहीं था। अब आप हर चीज़ किसी भी वक्त घर में फ्रिज खोलें वो आपको, और माइक्रोवेव ओवन से आप उसको कर लें, डिफ्रॉस्ट कर लें आप उसको कर लें, तो चीज़ ही की अवेलेबिलिटी बहुत आ गई। और फिर वो जो एक फूड का चेक होता था ना कि इतना खाना है इतना नहीं खाना, वो ख़त्म हो गया। अवेलेबिलिटी है तो डिज़ायर भी है, तो लोगों में उसमें ओबेसिटी भी आ गई, उनकी जो है ना एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के दरमियान जो तफरीक थी वो भी ख़त्म हो गई, तो हम बैलेंस में ही रहे। तो इसलिए अब ये, मैं कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि हमारा स्मार्टनेस में और वीकनेस में फ़र्क नहीं है, और हेल्थी और ओबेसिटी में फ़र्क नहीं रहा। तो हमने एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, यानी बच्चियां अगर डाइट कर रही हैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं खाती और ऐसे गिरती पड़ती हैं, और या हम खा के इतने फरबा माइल हो जाते हैं कि हमारे घुटने, जोड़, हड्डियों से भी, तो एक्सट्रीम दोनों की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे मसल को कितना इफेक्ट करता है? अगर हमें हड्डियों की किसी भी किस्म की दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो अक्सर लोग वैसे भी शिकायत कर रहे होते हैं जो नियर 40 होते हैं कि जिस्म में बहुत दर्द है, बहुत थकावट है, मसल पेन बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों चीज़ें भी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ऐसे है जैसे हमारे हमसायों के कुछ होगा तो हमें भी उसका असर आएगा। तो बोन एंड मसल्स आर नेबरर्स हैं। तो अक्सर तो हम, बल्कि मैं लोगों से कहता हूँ कि हम बोन हेल्थ पे तो बहुत बात करते हैं, मसल हेल्थ पे हम नहीं करते। और एक कंडीशन है जैसे ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोप्रोसिस है ना, इसी तरह सार्कोपीनिया एक कंडीशन होती है जिसमें आपका मसल मास वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और लोग इतने लागर होते हैं कि चला नहीं जाता, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, मेंटेन नहीं कर सकते आपका। उसके बाद आपकी एक बहुत ज़्यादा आपकी जो प्रोफेशनल अब्यूज़ आ गया है, उससे अर्गोनॉमिक्स आपकी अर्गोनॉमिक्स आपकी अल्टर हो जाती हैं। जैसे आप क्रॉनिक सीटिंग में बैठते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, उनको बैड पोस्चर से डिजीज आ जाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनका डे टू डे रोज़मर्रा ज़िंदगी पे इसका बहुत गहरा असर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्या आप लास्ट पैगाम देना चाहेंगे तमाम देखने वालों को कि अगर वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, मजबूत हड्डियाँ चाहते हैं खवातीन और मर्द, तो कौन सी ऐसी 2 या 3 चीज़ें जो अपनी लाइफ से माइनस कर दें, और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो वो अपना लें? एक तो मैं ये कहूँगा कि उसमें पानी का इस्तेमाल बहुत कसरत से करें जब भी मौका मिले, जब तक हो सके, जितनी भी हो सके, जे भी ज़्यादा देर बैलेंस डाइट लें, नींद का अमल बहुत ज़्यादा रखें, और अपना बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब ना होने दें। ये जो मैंने कहता ना कि डे वॉकर्स, यानी वो रातों को जागते हैं, और जो वो ये आप बच्चों का इससे मेलाटोनिन बहुत इफेक्ट होता है, स्किन कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा चेंज होता है। आप उन्हें कहें अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, लाइक बी लाइक ए सन, ठीक है ना, उससे बहुत फ़ायदा होता है आपका, आपका सिर गाड़ी, और फीमेल्स में उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है रिगार्डिंग हारमोन्स। फिर उसके बाद आपकी जब स्लीप और डाइट हो जाए तो कुछ सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, और फिर बाकी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनको आप रखें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैसल मसूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन से, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन प्रोग्राम सबका सितारा। और लाइफस्टाइल चेंजेस और जो हैबिट्स हैं, हमें कौन कौन सी अपनाने की ज़रूरत है, उस पर बात करें, तो कोई भी दिक्कत, कोई भी मसला, कोई भी तकलीफ हो तो प्रोफेशनल की राय ज़रूर लें, उसको घर पे किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट से पहले, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आपको कोई भी सिम्टम, कोई भी मसला अगर आपको महसूस, तो अनटिल अनलेस के बहुत पेन ना बढ़ जाए, उससे पहले ही आप किससे कंसल्ट ज़रूर करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।